देखो, हम लोग पिछले क्लास में कटायंस और एनायंस से रिलेटेड बातें डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने कहा था कि आयनिक कंपाउंड में जो कटायंस और एनायंस होंगे उसमें जो बड़ा होगा, ज्यादातर केसेस में एनायन बड़े होते हैं, तो जो बड़े होंगे वो लैटिस पॉइंट को ऑक्यूपाई करेंगे और जो छोटे होंगे वो इंटरस्टिशियल साइट और वॉइड को ऑक्यूपाई करेंगे। कौन से वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है हमारा कटायन, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एक रेडियस रेशियो का कॉन्सेप्ट देखे। हमने कहा कि अगर रेडियस रेशियो जो हम निकाल रहे हैं, रेडियस रेशियो 0.155 तक आया तो वो लीनियर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। 0.155 से लेके 0.225 होगा तो 3 होगा, ट्राइगोनल प्लानर होगा। ये सारी बातें हम लोग डिस्कस किए थे और इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। इसमें एक बात और तुमको पहले डिस्कस कर दे, उस क्वेश्चन के पहले एक बात डिस्कस करे। हमने बोला था, उसमें क्वेश्चन दिया था, उसमें क्या निकालना था, वॉल्यूम निकालने के लिए बोला गया था। अब वॉल्यूम के लिए हमको एज लेंथ चाहिए, क्या चाहिए? और एज लेंथ के लिए हमको, हमारे पास और हमको दिया है आयनिक कंपाउंड, तो कटायन एनायन का रेडियस है। तो इसका सीधा मतलब है कि हमको एक ऐसा रिलेशन चाहिए जिसे कटायन एनायन, आयनिक कंपाउंड के कटायन एनायन और उसके एज लेंथ के बीच का रिलेशनशिप हमको चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर उस क्वेश्चन को तब हम सॉल्व कर पाएंगे। तो लिखोगे कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कटायन एंड एनायन, कटायन और एनायन के, कटायन है और एनायन है, कटायन और एनायन के बीच का क्लोजेस्ट डिस्टेंस हमको डिटरमाइन करने के लिए बोलेगा, तो हम क्या करेंगे। देखो बात सीधा सा है, मान लीजिए हमारा जो है छोटा वाला जो था वो हम जानते हैं, छोटा वाला क्या होता है, कटायन, और बड़ा जो होता है वो कौन होता है, एनायन होता है जनरल केसेस में। तो ये अगर तुम गौर करके चलोगे, इसको अगर तुम मिला दे, इसको गौर कर, ये एटम्स है हमारे, ये यहां से इनके बीच का अगर डिस्टेंस अगर ऑब्जर्व किया जाए, इनके बीच का डिस्टेंस देखो, तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस हमारा क्या हुआ, यही ना हुआ। तो अगर मान लो इसके बीच का डिस्टेंस यहां से यहां तक, अगर इसको हम एक्स मान लेते हैं, तो यही हमारा एक्स क्या हो गया, एक्स हो गया क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कटायन एंड एनायन, कटायन और एनायन के बीच का एक क्लोजेस्ट डिस्टेंस हो गया। और हम मान लेते हैं, मान लो कि जो हमारा कटायन है, कटायन का रेडियस जो है हम मान लेते हैं स्मॉल आर है, बट आर प्लस है। मान लिए लेट रेडियस ऑफ कटायन, रेडियस ऑफ कटायन हम मान लेते हैं आर प्लस है, एंड रेडियस ऑफ एनायन जो हमारा है इसको मान लेते हैं हम आर माइनस है। तो यहां से जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस हुआ, एक्स इक्वल टू क्या हो गया, आर कटायन प्लस आर एनायन, यही हो गया क्लोजेस्ट डिस्टेंस। क्लियर है, एक्स को क्या बोलेंगे, क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कटायन एंड एनायन। ये हमको इसको कैसे निकालेंगे थोड़ा सा हम ये समझो। तो याद होगा, अगर हम गौर करें तो हमारे पास जो एटम्स एक्चुअल में ऑब्जर्व होते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल में तो केवल और केवल एटम कॉर्नर पे था, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम्स कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पे जाएगा। तो अगर एटम बॉडी के सेंटर पे गया तो वहां पे अगर एनायन जो है, मतलब हम दो दो, दो दोनों केस को डिस्कस करते हैं, ये मेनली तुमको जो दिखेगा कटायन एनायन आयनिक कंपाउंड जो जनरली होंगे, याद करो
हमने बताया था जो वॉइड है, सुनना गौर से, वॉइड तीन तरह का था, ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ ऑब्जर्व होता है, किस में? एचसीपी और सीसीपी में, इसी दो में ऑब्जर्व होता है, एचसीपी और सीसीपी। तो एचसीपी और सीसीपी में ऑब्जर्व होगा तो उसका यूनिट सेल कौन है? एफसीसी। कौन है? तो जो भाई कटायन और एनायन का फॉर्मेशन होगा, हम बता उसमें बताए कि जो बड़ा होगा वो लैटिस पॉइंट, जो छोटा होगा वो वॉइड में जाएगा। तो वॉइड कौन होगा? या तो टेट्राहेड्रल या तो ऑक्टाहेड्रल, यही ना होगा। इसका सीधा मतलब है कि जो ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट होगा कहां? एफसीसी यूनिट सेल में। तो एक तो एफसीसी का बात हो गया, और एटम अगर कॉर्नर पे हो और एक एटम बॉडी के सेंटर पे चला जाए, जो कटायन है वो बॉडी सेंटर्ड टाइप हो जाए, तो दोनों में अगर हम देखेंगे तो देखो इनकेस ऑफ, इस बात को हम जिक्र कर दें, इनकेस ऑफ बॉडी सेंटर्ड टाइप, बॉडी सेंटर्ड टाइप में अगर हम जाएंगे तो इसमें क्या होगा? सोचा तो एफसीसी में आएगा। तो हम समझा रहे हैं, समझ लो। तो अगर तुम यहां जाएगा तो देखो तो एटम यहां कहां प्रेजेंट है? कॉर्नर पे। तो सिंपल से समझो तो ये एटम जो टच कर रहे होंगे, ये एटम का जो टच होगा वो किसके अलोंग होगा? कॉर्नर पे, ये कॉर्नर पे कौन है? बी माइनस, और बीच में कौन होगा? ए प्लस। तो सोचो यहां पे कौन होगा? ए माइनस, ए बी माइनस, बी माइनस और बीच में कौन होगा? ए प्लस हो गया, यही ना होगा। मतलब किसके अलोंग हो गया? बॉडी डायगोनल के अलोंग। ए बी अगर इसको मान लेते हो तुम, तो ए बी हमारा क्या हो गया? ए प्लस, बीच वाला ये हो गया इधर, ये हमारा हो गया, इसका रेडियस हमने मान लिया आर माइनस है, इसका रेडियस है आर माइनस, और इसका रेडियस हम मान लेते हैं आर प्लस, ठीक है। अब दोनों को चलो यहां से, तो सिंपल ए बी जो हो गया, ए बी क्या है? ये बॉडी डायगोनल हो गया। क्या हो गया? बॉडी डायगोनल है, ये बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूब है, बॉडी डायगोनल है, और ये जो हमारा होगा बॉडी डायगोनल कितना होता है? रूट थ्री है। और ए बी को यहां से ऑब्जर्व करो तो क्या हो गया? बड़ा वाला एटम, इसका रेडियस क्या हो गया? आर माइनस, फिर हो जाएगा क्या? प्लस। बीच में ये हो गया कौन सा? आर प्लस, फिर क्या हो जाएगा? आर प्लस, फिर क्या हो गया? यहां से यहां तक कितना हो गया? आर माइनस। तो यहां से कितना हो गया? जोड़ दो, टू कॉमन कर ले तो R प्लस और प्लस क्या हो गया? R माइनस, नहीं ना आया। और ये किसके बराबर हो गया? रूट थ्री ए के। और R कटायन प्लस R एनायन इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट थ्री ए बाई टू हो जाएगा। तो क्या समझे? जिस समय कटायन अगर बॉडी के सेंटर पे होगा, उस समय कटायन और एनायन के बीच का क्लोजेस्ट अप्रोच कितना होगा? रूट थ्री ए बाई टू होगा। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या करता है, ये बहुत सारे क्वेश्चन तुमको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव बनाने क्रम में। कटायन का रेडियस दे देगा, एज लेंथ दे देगा, कहेगा एनायन का रेडियस निकालो। कब? जब वो बॉडी सेंटर यूनिट सेल में गया है तब, समझ आया? कह देगा कि ये कंपाउंड जो है उसमें वो बॉडी सेंटर टाइप स्ट्रक्चर बनाया, उसमें उसका एज लेंथ इतना है, कटायन का रेडियस इतना है, तो एनायन का रेडियस क्या होगा बताओ? कटायन एनायन का रेडियस दे देगा, कहेगा वॉल्यूम निकालो। तो कटायन मतलब एक इस यूनिट सेल में गया और कटायन एनायन का रेडियस ये है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? तो जिस यूनिट सेल में गया उसके अनुसार से उसका क्या निकालेंगे? कटायन प्लस एनायन का क्लोजेस्ट अप्रोच का डिस्टेंस का आइडिया हो जाएगा, वहां से ए निकलेगा, और ए से फिर हम क्या निकालेंगे? उसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो बॉडी सेंटर टाइप का बात क्लियर हो रहा है? पहले क्लियर हो गया। चलो पहले इसको उतारो, फिर उसके बाद हम एफसीसी की बात करते हैं। इसके बाद अरे छाप दिया तो शाम तो के वेट के दिन काट रहा है तुम लोग। वेरी गुड। देखो यहाँ पे आइए सर, आइए आइए, पानी वानी पिलवाए सर? देखो सना कबे यहाँ पानी प्या पतेंगे, ठंडा चाहिए। अब देख ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए क्लोजेस्ट डिस्टेंस कटायन और एनायन के बीच का कितना होगा? रूट थ्री ए बाई टू होगा। क्लियर है बात? अच्छा
यही बात अगर तुम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए सोचो, इसके लिए अगर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में वॉइड कौन सा था, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ गया, बॉडी डायगोनल पे। तो अगर बॉडी डायगोनल पे आया भी तो वॉइड ही आएगा। तो जब हम बात कर रहे होंगे वॉइड का जो कटायन ऑक्युपाई करता है, तो याद होगा हम लोग बोले थे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ क्रिएट होता है, एज के सेंटर पे या बॉडी के सेंटर पे। तो अगर मान लो बॉडी के सेंटर पे है वो वॉइड, तो इस कॉर्नर से उस कॉर्नर के बीच का डिस्टेंस, मतलब बॉडी सेंटर फेस सेंटर, ये फेस सेंटर बॉडी सेंटर कितना डिस्टेंस होगा, ए। इसके और इसके बीच का डिस्टेंस ए ना है, तो यहाँ बीच वाला एटम ए, बीच वाला एटम और बीच में वॉइड जुड़ के कितना हो गया, यहां से यहां तक ए। या एज पे भी जाओगे तो एज पे भी, अगर यूनिट सेल के एज पे जाओ तो एज पे जाओगे तो एज पे क्या होगा, एज पे अगर जाएंगे तो एज के सेंटर में वॉइड है, एक एटम ये हो गया, ये एटम हो गया, और वॉइड कहाँ बन रहा है, एज के सेंटर में। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए ना होगा। तो अगर बात करोगे, यही बात तुम फेस सेंटर यूनिट सेल के लिए कर रहे हो, डायरेक्ट हम वहां मेंशन कर रहे हैं, इन केस ऑफ फेस सेंटर यूनिट सेल, इन केस ऑफ एफसीसी यूनिट सेल, फेस सेंटर यूनिट सेल के लिए अगर तुम कोरिलेट करोगे तो इस केस में क्या होगा। तो सीधा सा अभी हमने बताया कि यहां जो वॉइड क्रिएट होगा वो अगर वॉइड क्रिएट होगा कहां पे, फेस के सेंटर में भी क्रिएट होता है, एज के सेंटर में क्रिएट होगा। यहाँ एक ये जो एटम हमारे होंगे, एक एटम यहाँ है, ये एटम और ये कहाँ है, ये एटम है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस अगर तुम लोगे, ये कितना है डिस्टेंस, ये हो गया। या बॉडी सेंटर पे भी यहाँ पे भी बनेगा तो उसका भी डिस्टेंस ए ही रहेगा। सो ओवरऑल जो डिस्टेंस होने वाला है, इसको मान लो अगर तुम ए भी मान लो यहाँ भी, तो ए भी हमारा जो होगा किसके बराबर होगा, तो आर कटायन बड़ा वाला, छोटा वाला कटायन हो गया, बड़ा वाला एनायन हो गया। तो ये इधर हो गया, ये इसको मान लो बी माइनस और छोटा वाले को ए प्लस मान रहे हैं, तो सीधा सा होगा ये हमारा कितना होगा, तो आर माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, आर प्लस प्लस आर प्लस और प्लस आर माइनस, सही ना होगा। और ये एक्चुअल में ए बी यहाँ पे क्या है, ये है एज लेंथ के अलोंग टच कर रहा है, मतलब ये ए हो गया। टू कॉमन कर लो तो आर प्लस और प्लस आर माइनस इक्वल टू क्या हो गया, ए, और आर प्लस प्लस आर माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाई टू। तो अंडरस्टूड है, ये बात तुम ध्यान में रखो, अब इतना ही दिमाग में रखोगे कि बीसीसी के केस में रूट थ्री ए बाई टू और एफसीसी के केस में आर कटायन प्लस आर एनायन इक्वल टू ए बाई टू होगा। बस ये दो फॉर्मूला दिमाग में रखोगे, क्लोजेस्ट अप्रोच का ये हमेशा दिमाग में रहना चाहिए तुमको, क्लियर है। चलो अब उस क्वेश्चन पे आओ जो तुम्हारा क्वेश्चन था, अब उस क्वेश्चन को देखो जो तुम्हारा क्वेश्चन अब सॉल्व होना चाहिए। देखो क्वेश्चन में क्या था, वॉल्यूम निकालना था, क्या निकालना था, वॉल्यूम निकालना था। जो क्वेश्चन पिछले क्लास में दिए थे याद होगा क्या था, आर ए प्लस कितना था, वन 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 पिकोमीटर, यहां से आर एक्स माइनस वन पिकोमीटर और आर वाई माइनस कितना था, टू पिकोमीटर, यही ना था। ये पिछले क्लास में जो क्वेश्चन दिए थे, पिछले क्लास का क्वेश्चन है ये, पिछले क्लास में जो क्वेश्चन दिए थे उसमें हमको वॉल्यूम भी निकालना था, तो वही बात हम समझा रहे हैं, वॉल्यूम निकालना था। तो जब हम कंपाउंड ए एक्स की बात किए थे, किसका, तो ए एक्स में देखे होंगे रेडियस रेशियो निकाला था, तो क्या आया था, ए एक्स, तो वन आया था। यहाँ जो रेडियस रेशियो निकाला था सब, तो रेडियस रेशियो कितना आया था, वन बाई वन, वन आ गया। इसका मतलब है कि ये बीसीसी हो गया, क्या हो गया, अब इस क्रिस्टल का हमको वॉल्यूम निकालने के लिए बोला गया था उस क्वेश्चन में। तो सबसे पहला चीज बीसीसी आ गया, तो इसका मतलब हो गया कि आर कटायन प्लस आर एनायन इक्वल टू क्या हो गया, रूट थ्री ए बाई टू हो गया। अच्छा आर कटायन यहाँ कितना हो गया, एक वन, आर एनायन कितना हो गया, वन, ये ना हुआ जी। आर कटायन यहाँ कौन है, ए प्लस, सीधा हो गया यहां से जाओ,
आर कटाइन ये हो गया ए प्लस, आर एनायन कौन हो गया बी माइनस, रूट थ्री बाई टू हो गया, बी नहीं मतलब एक्स माइनस है, हाँ एक्स माइनस यही है, तो अब रूट थ्री बाई टू, तो यहां से इसको इधर कर देगा तो कितना हो गया वन पिकोमीटर, मतलब वन प्लस वन कर देता है, वन वन पिकोमीटर प्लस वन पिकोमीटर, इतना पिकोमीटर इज इक्वल टू कितना हो गया रूट थ्री इंटू ए बाई क्या हो गया टू, और ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टू टू फोर, फोर बाई रूट थ्री पिकोमीटर। अब यहाँ इसका वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा ए क्यूब, मतलब फोर बाई रूट थ्री का क्यूब, इतना क्या हो जाएगा इतना जो भी वैल्यू आएगा पिकोमीटर का क्यूब हो जाएगा। अब मीटर में निकालना है, जिसमें निकालना है उसमें तुम कन्वर्ट कर सकते हो, बात सबको समझ में आए, क्लियर है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे कौन है ए वाई था, अब ए वाई का कहानी अगर देखोगे तो ए वाई में क्या था, इसमें रेडियस रेशियो यहाँ भी निकाला सब, तो रेडियस रेशियो का क्या आया वन बाई टू कितना होगा जीरो पॉइंट फाइव, ये पॉइंट फोर वन फोर से लेके पॉइंट सेवन थ्री टू के बीच में रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया ये ऑक्टाहेड्रल है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसमें क्रिएट होता है, ये दिख गया कि यहाँ वॉइड जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो क्रिएट होता है किसमें, ये क्रिएटेड इन एफसीसी यूनिट सेल, मानली एफसीसी यूनिट सेल में क्रिएट होता है, इसका मतलब यहां अब जाएंगे तो यहां क्या हो जाएगा सीधा आर कटायन आर ए प्लस प्लस आर वाई माइनस इजकल टू क्या हो गया ए बाई टू, ये हो गया कितना वन और प्लस ये हो गया टू, इतना पिकोमीटर इजकल टू ए बाई टू, और ए इजकल टू कितना हो जाएगा सिक्स पिकोमीटर हो गया, और यहां पे जब वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा ए का क्यूब का मतलब हो गया सिक्स का क्यूब, इतना पिकोमीटर क्यूब हो जाएगा। अरे बात सबको समझ में आया कि नहीं, तो ये जब भी वॉल्यूम की बात हो गई कटाइन आयन आयन आ गया तो उसके तो हम लोग क्लोजेस्ट अप्रोच का कॉन्सेप्ट लगा के तब इसको सॉल्व करना होगा। ये बात सबको समझ में आया, पॉइंट फोर वन फोर से लेके पॉइंट सेवन थ्री टू के बीच में आया तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ क्रिएट होगा एफसीसी यूनिट सेल में, तो अंडरस्टूड हो गया क्या यूनिट सेल कौन हो गया एफसीसी, और ये आ गया तो फिर यहाँ से काम हमारा हो जाएगा। बात सबको समझ में आया, क्लियर है सबको, चलो उतार लेंगे इसको पहले, मतलब तुमको रेडियस रेशियो से रिलेट कर दिया जाएगा कभी क्वेश्चन में कि कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो, कटाइन का शेप निकालो, या जब कभी कभी ज्यादा कॉम्प्लिकेट करेगा तो वहां पे तुमको वॉल्यूम निकालने के लिए बोल देगा, तो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस तुमसे बनने चाहिए। जैसे मान लो एक क्वेश्चन अगर जैसे ऐसे दिया है प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कटायन इन द फॉलोइंग क्रिस्टल, इन द फॉलोइंग क्रिस्टल्स, इधर हमारा ए कंपाउंड हो गया, इधर कटायन रेडियस और इधर ले लेते एनायन का रेडियस दिया हुआ है एनायन रेडियस, MgS और CsCl, सीजियम क्लोराइड 0.65 एंगस्ट्रॉम 0.65 एंगस्ट्रॉम 1.61 एंगस्ट्रॉम 69 एंगस्ट्रॉम, अरे 1.4 एंगस्ट्रॉम 1.84 एंगस्ट्रॉम, और ये हो गया 1.81 एंगस्ट्रॉम। देखो तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में गौर करो तो बनना चाहिए सबसे MgO है तो किसमें टूटेगा Mg प्लस टू प्लस ओ माइनस टू में, यहाँ तुम रेडियस रेशियो निकाल सकते हो कितना होगा, ये रेडियस ऑफ Mg प्लस टू
रेडियस ऑफ कटायन भाई क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ एनायन हो जाएगा। कटायन का रेडियस कितना होगा, 0.65 बाई एनायन का रेडियस 0.4 यही होगा, कटायन का रेडियस यही ना हुआ, और इसके एनायन का रेडियस क्या हो गया 1.4 हो गया। इसको डिवाइड करेगा, वैल्यू कितना आएगा 46, और 0.46 किसके बीच में है, 0.414 से लेके 0.732 के बीच में है। इसका मतलब है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा, और अगर शेप की बात की जाएगी तो शेप इसका ऑक्टाहेड्रल होगा। क्लियर है, यही बात अगर हम लोग करेंगे कि MGS की बात कर लो तो किसमें टूटेगा, Mg+2+S-2 में। यहाँ जब रेडियस रेशियो यहाँ निकालोगे तो यहाँ भी रेडियस रेशियो क्या होगा, ये हो गया, इसका हो गया 0.65 और बाई कितना हो गया भाई 1.84, ये वैल्यू कितना आया 0.35 जो भी है 0.35 या 3 जो भी इसके बीच में लग गया, वो किसके बीच में चला गया 2.25 से लेके 0.414 के बीच में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और उसका शेप जो होगा वो टेट्राहेड्रल होगा। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कटायन निकालना है केवल, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कटायन में कितना होगा 4, और यही बात करोगे सीजियम क्लोराइड का तो इसमें ये टूटेगा किसमें, CH+ और प्लस Cl- में। यहाँ रेडियस रेशियो निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो सीधा हो जाएगा 1.69/1.81, ये कितना हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 0.9, मतलब ज्यादा हो गया, कितना किससे 0.732 से ज्यादा हो गया। इसका मतलब ये है कि ये बॉडी सेंटर्ड टाइप होगा, ये बॉडी सेंटर्ड टाइप होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका सेंटर्ड टाइप होगा, और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 8 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा, 8 होगा। ये बात सबको समझ में आया, क्लियर है, कर लो एक बार अपना। अरे हो गया, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखोगे, ये लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, NaCl गिवेन बिलो, लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl गिवेन बिलो, कैलकुलेट कोऑर्डिनेशन नंबर एंड शेप ऑफ कटायन। क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए, जल्दी से बनाओगे। ये बड़ा वाला एटम क्लोरीन है और छोटा वाला जो है वो सोडियम है, इस फिगर को यूज करके, NaCl के स्ट्रक्चर को यूज करके इसका कोऑर्डिनेशन नंबर और शेप कटायन का डिटरमाइन करना। इस फिगर से अगर तुम गौर करोगे तो यहाँ पे ये बड़ा वाला कौन है, Cl-, तो Cl- है, तो यहां से अगर एक चीज गौर कर लो, इसका रेडियस क्या हो गया RCl-, मान लो इसका रेडियस हो गया क्या RNa+, फिर यहां से भी क्या हो गया, ये हो गया RNa+, और यहां से क्या हो गया RCl-। अगर हम इसको कर देते हैं A, B, C और D कर देते हैं समझने के लिए, ठीक है, तो यहां से अगर चलोगे तो ए बी, देखो हमको कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए जी, तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए क्या चाहिए, पहले रेडियस रेशियो चाहिए, और रेडियस रेशियो के लिए क्या चाहिए, रेडियस ऑफ कटायन और बाई रेडियस ऑफ, जब तक ये नहीं मिलेगा हमको, कटायन का रेडियस और एनायन का रेडियस नहीं आएगा तब तक रेडियस रेशियो नहीं निकलेगा, और रेडियस रेशियो नहीं निकलेगा तो हमको कोऑर्डिनेशन नंबर और शेप डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। क्लियर है, तो क्या करेंगे, तो इस केस में हमारे पास जो फिगर है उससे चले, तो ये कितना हो जाएगा, देखो तो ये ए बी है, ये हमारा क्या स्क्वायर ही ना होगा, देखो जितना डिस्टेंस ये है वही ये है, इतना ही ये भी है, देखो तो RCl- + RNa+ + RNa+ + RCl-, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, ए ए ए, मतलब ये स्क्वायर के अंदर है,
समझ में आ रहा बात सबको? तो चलो ए बी इजिकल टू लिख दो तो क्या हो गया, आर सी एल माइनस प्लस आर एन ए प्लस 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 आर सी एल माइनस, ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा, ये ए के बराबर हो गया, क्लियर है? तो यहां से क्या हो गया, टू कॉमन कर लो तो आर एन ए प्लस प्लस आर सी एल माइनस इजिकल टू ए, आर एन ए प्लस प्लस आर सी एल माइनस इजिकल टू क्या हो जाएगा, ए बाई टू इक्वेशन नंबर वन, पहला तो क्लियर हो गया। थोड़ा सा इसको डायगोनली मिला देते हैं, डायगोनली मिलाओगे तो क्या होगा, ये देखो तो सारा बड़ा ही एटम है, तो ये अगर हम इसको ले लेते हैं क्या बीडी ले लेते हैं, ये हमारा हो गया बीडी, बीडी क्या हो गया डायगोनल हो गया, और ये डायगोनल किसके बराबर होगा, देखो तो ये देखो कितना है आर सी एल माइनस, फिर हो गया आर सी एल माइनस आर सी एल माइनस आर सी एल माइनस, समझ में आ रहा बात? तो यहाँ से ये कितना हो गया रूट टू ए, और यहाँ से बी डी, बी डी इजकल टू हमारा हो गया आर सी एल माइनस प्लस आर सी एल माइनस प्लस आर सी एल माइनस प्लस आर सी एल माइनस, कितना हो गया फोर आर सी एल माइनस, ये ना हुआ। तो अब यहाँ से अगर हम लेके चलेंगे ये आ गया, तो यहाँ से हो गया फोर आर सी एल माइनस इजकल टू क्या रूट टू ए, और आर सी एल माइनस इजकल टू कितना हो गया रूट टू ए बाई फोर, और आर सी एल माइनस इजकल टू ए बाई टू रूट टू इक्वेशन नंबर टू, सी एल माइनस का तो रेडियस आ गया। अरे समझ में आ रहा है बात, ये क्लियर हो रहा है सबको? अब सी एल माइनस का जो वैल्यू आया उसको पुट करो पहले वाला इक्वेशन में, तो फ्रॉम इक्वेशन वन से चलो तो इक्वेशन क्या था आर एन ए प्लस प्लस आर सी एल माइनस इजकल टू ए बाई टू, और सिंस हम जानते हैं आर सी एल माइनस इजकल टू क्या ए बाई टू रूट टू, जानना है ना? तो अगर हम यहां से चलेंगे इसको, इसको अगर हम लोग यहां से लेके चलेंगे तो क्या होगा, सो देखो इसे पुट कर दो तो आर एन ए प्लस और प्लस क्या ए बाई टू रूट टू इजकल टू ए बाई टू, आर एन ए प्लस इजकल टू ए बाई टू माइनस क्या ए बाई टू रूट टू, और इसमें से ए बाई टू कॉमन कर लेते हैं कौन सी हो गया वन माइनस वन बाई रूट टू, ए रूट टू माइनस रूट टू यह हो जाएगा आर एन ए प्लस इजकल टू कितना हो जाएगा रूट टू माइनस वन, ऊपर हो गया रूट टू माइनस वन बाई रूट टू इंटू टू कितना हो गया टू रूट टू, तो इंटू हो जाएगा सीधा हम ऐसे लिख देते इतना इतना ये इतना इंटू क्या हो जाएगा ए बाई टू रूट टू, समझ रहा है? ये होगा इसका एलसीएम ले तो रूट टू माइनस वन बाई रूट टू ए बाई टू मल्टीप्लाई कर देते ए बाई टू रूट टू इंटू इतना हो गया, क्लियर है? ये कौन सी आ गया एन ए प्लस हो गया। अब यहां से ये इक्वेशन नंबर तीन हो गया। अब देखो यहां से चलेंगे तो यहां से अब हम रेडियस रेशियो निकाल सकते हैं, तो हमारा रेडियस रेशियो क्या आएगा, तो देखो तो रेडियस रेशियो इजकल टू क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ एन ए प्लस बाई रेडियस ऑफ सी एल माइनस, एन ए प्लस का रेडियस क्या होगा रूट टू माइनस वन इंटू ए बाई टू रूट टू, और ये हमारा सी एल माइनस कितना हो गया ए बाई टू रूट टू, यही है ए बाई टू रूट टू ए बाई टू रूट टू कर गया। तो ये हमारे पास रेडियस रेशियो जो हम निकाल लिए, रेडियस रेशियो हमारा कितना हो गया रूट टू माइनस वन, वन पॉइंट फोर वन फोर माइनस वन कितना हो गया पॉइंट फोर वन फोर, अब पॉइंट फोर वन फोर आ गया इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स होगा, और इसका जो शेप होगा शेप क्या होगा ऑक्टाहेड्रल होगा, शेप इसका क्या होगा ऑक्टाहेड्रल और कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स होगा। ये कैसे निकला सो समझ में आ रहा है बातों को? तो ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लिकेट करेगा इसके, या तो कटायन और एनायन का रेडियस डायरेक्ट दे देगा तब तो सही है ना, या तो कटायन एनायन डायरेक्ट दिया है तो डायरेक्ट कटायन बाई एनायन कर दिए, ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लिकेट करेगा तो तुमको एक फिगर दे देगा और ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन के अनुसार से पहले कटायन और एनायन का वैल्यू लेके और तब उसका रेशियो लेके हमको रेडियस रेशियो निकालना होगा। बात सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है बात सबको? चलो तो पहले उतार लो इसको फिर आगे बढ़ो, हो गया। अब देखो एक बात गौर करो, तो इससे ये तो हमारे पास
रेडियस रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस की बातें थी। जैसे मान लो क्लोजेस्ट डिस्टेंस वाले में तुमसे और क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन है NaCl हैज FCC क्रिस्टल विथ सेल एज ऑफ 552 पिकोमीटर इफ रेडियस ऑफ Na प्लस एज 91 पिकोमीटर व्हाट इज द रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन। एनी NaCl हैज FCC क्रिस्टल विथ सेल एज ऑफ 552 पिकोमीटर इफ द रेडियस ऑफ Na प्लस इज 91 पिकोमीटर व्हाट इज द रेडियस ऑफ Cl माइनस। समझ में आ रहा है बात? तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो भी ये बन जाना चाहिए। कैसे बनाओगे इसको? तो ये क्लोजेस्ट अप्रोच वाला कटायन दिया है, एनायन चाहिए, एज लेंथ दिया है, तो इसका मतलब क्लोजेस्ट अप्रोच। और जैसे ही ये FCC हुआ तो FCC के लिए तुमको क्या पता है? RNA प्लस और प्लस RCl माइनस इक्वल टू A/2, सिंपल हो गया। तो कटायन तुमको कितना, ये 91 प्लस RCl माइनस इक्वल टू 552/2। और यहां से क्या निकाल लोगे? RCl माइनस का वैल्यू निकाल लोगे। तो कटायन और एनायन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहे तो इसमें क्लोजेस्ट अप्रोच वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। क्लियर है बात सबको? चलो, तो ये था हमारे पास कुछ वॉइड से रिलेटेड कुछ बातें हम डिस्कस कर रहे थे। ध्यान रखने की आवश्यकता यह है कि जो जो हमारे वॉइड्स बन रहे हैं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जब भी क्रिएट होंगे तो उसका यूनिट सेल क्या होता है? वो FCC होता है। इसका ख्याल भी हमको रखने का है। जैसे कुछ कंपाउंड इस तरह से हमको दिखेगा, हम लोग पहले उतार लो इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलो, जैसे क्वेश्चन लिखोगे एल्युमिनियम ऑक्साइड ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड हैविंग क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन विच ऑक्साइड आयन फॉर्म्स द क्यूबिक लैटिस व्हाइल एल्युमिनियम आयन ऑक्यूपाइज 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड? फॉर्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड। देखो, ऐसा क्वेश्चन अगर हमारे पास रहेगा, सुनना गौर से, तो क्या जैसे वॉइड से रिलेटेड एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनाए थे फॉर्मूला वाला, कब? शुरू में जब हम लोग बात किए थे कि एटम कॉर्नर पे गया, एज पे गया, फेस के सेंटर में गया, बॉडी के सेंटर में गया, तो उस समय फॉर्मूला कैसे निकालेंगे वो बात हम लोग डिस्कस किए थे। अभी कहता है वॉइड की बात करें, क्वेश्चन समझो, तो कहता है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जो हमारा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड इसका जो स्ट्रक्चर है वो CCP स्ट्रक्चर है। और CCP स्ट्रक्चर का मतलब तुमको समझ गया, समझना चाहिए क्या, कि इसका जो यूनिट सेल है वो कौन है? FCC है। ये तो समझ में आ रहा है।
अब यहां पे कौन है, यहां पे ऑक्साइड आयन है और अल्मोनियम है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो। अच्छा, जैसे ही एफसीसी आ गया तो तुमको जेड का वैल्यू कितना हो गया, 4। इसका मतलब है कि एफसीसी इस यूनिट सेल को बनाने वाला, एफसीसी यूनिट सेल को बनाने वाला कौन है, जो भी होगा उसका उसका एटम कितना होगा, 4। अच्छा, जैसे ही एफसीसी आ गया तो एक बात और तुमको क्लियर हो गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसके बराबर था, जेड वैल्यू के बराबर, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितना था, 2 × z वैल्यू। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया जेड के बराबर, मतलब हो गया 4, और टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया जेड के बराबर, मतलब ये 2 × z वैल्यू के बराबर, ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया। तो इतना बात तुमको खुद समझ जाना है। अगर क्वेश्चन में कह दिया कि एक कंपाउंड है जो सीसीपी स्ट्रक्चर में जा रहा है या एससीपी स्ट्रक्चर में जा रहा है, तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि उसका यूनिट सेल बनाने वाले का जेड वैल्यू 4 होगा, उसमें वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होंगे। इतना तो बात दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके आगे। इतना कॉमन इंफॉर्मेशन केवल सीसीपी लिख दिया तो तुमको इतना खुद समझ जाना है कि यूनिट सेल एफसीसी है, टेट्राहेड्रल वॉइड 4 8 होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 होगा। इतना तो क्लियर है। चलो अब पढ़ो क्वेश्चन को। इन विच ऑक्साइड आयन फॉर्म द क्यूबिक लैटिस, क्यूबिक लैटिस मतलब यूनिट सेल, जिसमें ऑक्साइड आयन बनाने वाला है क्या, क्यूबिक लैटिस। क्यूबिक लैटिस बना रहा है मतलब क्या, यूनिट सेल का फॉर्मेशन कर रहा है, और अगर यूनिट सेल कोई बना रहा है तो यूनिट सेल का वैल्यू क्या था, 4। यूनिट सेल कौन है, एफसीसी, और एफसीसी बनने वाला है मतलब एफसीसी के लिए कितना हो गया, 4। वो चारों एटम कौन है, ऑक्साइड आयन है, जबकि कह रहा है कि L+3 कहाँ गया है, 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसका 2/3, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना है, 4 है, तो कितना हो जाएगा, ये 8/3 हो गया। तो यहाँ पे हो गया L+3 हमारा हो गया 8/3, और ये हमारा जो हो गया कौन सा, इधर हो गया ऑक्साइड आयन हो गया कितना, 4, ठीक है। तो ये 4 से 4 से 1 और 4 से 2 कट गया, ये आ गया क्या, Al+3 कितना हो गया, 2/3, और ऑक्साइड हो गया कितना, 1, यही हुआ, अरे हुआ ना। अब इसको दोनों को क्या करो, सिंपल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए Al, ये 4 तो अपने खत्म हो जाएगा, Al, और ये हो गया 2/3, इसको दोनों को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए, तो ओ 1 × 3, दोनों को 3 से गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, 3 से कट के हट जाएगा ये, और ये हो गया, तो Al का हो गया 2, और वो हो गया 3, कंपाउंड क्या हो गया, Al2O3 हो गया। बात सबको समझना है, क्लियर है। तो इतना बात क्वेश्चन में तुमको खुद समझ जाना चाहिए क्या, कि अगर कहा कि सीसीपी स्ट्रक्चर या एससीपी, तो उसका जेड वैल्यू, अब जो इसको बनाएगा उसके लिए जेड का वैल्यू उतना हो जाएगा, और जो वॉइड में जाएगा तो वॉइड में, और कहता ऑल ऑल वॉइड तो पूरा का पूरा लेते, जितना कहेगा उतना लेंगे। समझ में आया बात, चलो उतार लो इसको भी, हो गया, तो उतार लिया सब। अब देखो थ्री एलिमेंट पी क्यू एंड आर क्रिस्टलाइजेज इन एचसीपी स्ट्रक्चर in which p atom forms the cubic lattice q atom occupied all the octahedral void while R atom occupies all occupies half of the tetrahedral void, half of the tetrahedral void, what is the फॉर्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड,
व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड। तो ये बात सबको समझ में आ रहा होगा, पी क्यू और आर कैसे गया, क्या बनाया, एचसीपी। एचसीपी हो गया तो अंडरस्टूड है कि यूनिट सेल एफसीसी, और एफसीसी यूनिट सेल का मतलब हो गया जेड का वैल्यू ऑक्टाहेड्रल वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड 8। इतना बात एक इस लाइन से हमको समझ जाना है, ठीक है। इतना ये लिखा रहा है, इतना बात अपने दिमाग में बैठा लेना है। अब यहां से शुरू होंगे जो क्वेश्चन बोले, या क्वेश्चन बोला पी क्या बनाया, क्यूबिक लैटिस। क्यूबिक लैटिस मतलब एफसीसी यूनिट सेल को बनाने वाला कौन है, पी है, और इसका मतलब है कि इसका वैल्यू क्या हो गया, 4। क्यूबिक लैटिस का मतलब यूनिट सेल, तो यूनिट सेल को बनाने वाला कौन है, पी। अब क्यू एटम कहां गया, ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना है, तो चारों के चारों पे चला गया ही। और आर कहां गया है, हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना है, 8। तो ये कट गया, कितना हो गया, हो गया 4। तो P हो गया कितना, 4, Q हो गया 4, R हो गया 4, कट के कितना हो गया, P, Q, R, यही फॉर्मूला हो गया कंपाउंड का, P, Q, R। सबको बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर वॉइड से भी रिलेट कर दिए जाए कि एटम जो है ये यूनिट सेल बना रहा है, ये वॉइड में गया, तो ऐसे उस समय उस कंपाउंड का क्या फॉर्मूला होगा, तो ऐसे क्वेश्चन भी अब हमसे, हम आशा करते हैं ऐसे क्वेश्चन हमसे बनने चाहिए। क्लियर है बात सबको, उतार लेंगे इसको। चलो तो उतार के आज हम लोग यहीं तक रहने देंगे, अगले क्लास में हम लोग आएंगे तो इसमें हम बात करेंगे, एक पार्ट आएगा हमारे पास सम कॉमन काइंड ऑफ आयनिक कंपाउंड, इसी से रिलेटेड बात है। तो कुछ हमारे पास एबी टाइप, एबी टू टाइप, ए टू बी टाइप कंपाउंड आता है, तो इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, और तब उसके बाद बात आएगी डिफेक्ट की, डिफेक्ट और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो इसमें लास्ट पार्ट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हुए नजर आएंगे। क्लियर है यहाँ तक, चलो तो आज यहीं तक छोड़ेंगे, अगले क्लास में फिर इसके आगे बढ़ा जाएगा।